मेरे आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, ये चुनाव किसी की हार जीत का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके स्वाभिमान का है। इस भारतीय जनता पार्टी का झंडा जब पूरे देश में कोई पकड़ने वाला नहीं था, तब भी हमने इसे खून से सींच के ये कमल का फूल खिलाया। जब इसका कोई झंडा डंडा पकड़ने वाला नहीं था, तब भी हम इसे अपने खून से सींच रहे थे। और आज भगत हाथ की रोटी खा कर रहे थे आपने सुपरवीन की बहुत अच्छा बने, सब हमारी जमीनों में बने और आज वो हमारी माँ बहनों को गाड़ी देकर इस देश में राज करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, एक बार गांव का एक सब धाम से सुनना भाई, हसीओ भी मजा भी लियो पर उधर बात को समझियो भी। एक बार एक गांव का किसान तारीफ पे चला गया मेरठ, उसमें बीच में हो गया लंच। अब जब लंच हो गया उन्हें सोची तो रोटी खाया, अब वो कचहरी में लिख रहा तो एक होटल पर लिख रहा था कि जो इस होटल के 10 परांठे खा लगा उसे 500 रुपए इनाम परांठे फ्री। अब वो किसान था, उन्होंने सोची भाई चल तू यहां से अजमा कर देख ले, वो चला गया। अनपढ़ आदमी था, उन्हें पहला परांठा लाया, एक परांठा खाया एक लकीर खींच दी पढ़ना आ गई, दूसरा खाया दूसरी खींच दी। जब उन्हें 8 परांठे खाकर 8 लकीर खींच दी, होटल वाले ने सोची उनका खावा 500 रुपए भी जाएंगे परांठे भी जाएंगे। वो वेटर का बोला मिजान था लगा के 2-3 लकीर मिटो दे। अब वो ताल आता है, वेटर लेकर आया परांठा, उन्हें वो लकीर मिटो दी। जब उन्हें तो गिर रखी थी, जब उन्हें 2 परांठे खाका पूरे हो गए 10, उन्हें कहा ना भाई लकीर गिनले कम है। उन्हें लकीर गिनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहने रहा भाई लकीर तो कम है पर परांठे मैंने 10 खाए। बोला नहीं भाई 10 नहीं खाए 6 खाए, दोनों में लड़ाई बच गई। बोला भाई मैं शुरू से बोला शुरू से अब कहो चुनाव शुरू से है, पार्टी को हरा होगा अब क्या उनसे वोट दियो और नहीं तो वोट दीजिए तू देर ना जाइए। और जो तुम्हारा सुनो जो तुम्हारा मन बिल्कुल ना करता हो तो अपने घर रही हो भाई, अब क्या उस बटन को ना दबाइयो, नहीं भी लोगों की दुनिया में संतुष्टि है क्योंकि ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है, माता और बहनों को जो गाली दी उसकी लड़ाई है। मैं अपनी वाणी को मिला, इस चुनाव में आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आपने हमेशा निर्णय लिया जब कभी भी देश का आक्रमण हुआ, आपके महापुरुषों ने निर्णय लिया। जब कभी भी देश का आक्रमण हुआ हमारे महापुरुषों ने निर्णय लिया और ऐसे निर्णय लिए कि 8-8 हजार की सेना 80-80 हजार मुगलों के साथ लड़ी, लेकिन वो हारे नहीं, 80 हजार लोगों को भी उन्होंने धरती चटाने का काम करा। क्यों? क्योंकि वो स्वाभिमानी लोग थे। और आज लोग क्या कह रहे कि हम राष्ट्रवादी हैं, वो राष्ट्रवादी पार्टी है, हमने राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दिया, लेकिन वही पार्टी आज जातिवादी होगी। आज वो हमारे महापुरुषों को गाली देने वाले सांसदों को तुम्हारे टिकट देने वाली पार्टी होगी। मेरे आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, हो सका कि मैं आपको समझाने में ना कामयाब रहूं, लेकिन अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के एक सवाल अपनी आत्मा से जरूर पूछना कि वीर भोज गुज्जर हैं कि राजपूत हैं, पृथ्वीराज चौहान गुज्जर हैं कि राजपूत हैं, अलंकार तोमर गुज्जर हैं कि राजपूत हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी के सांसद उन्हें कभी गुज्जर गुज्जर कर करके आपके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने का काम कर रही थी हमने।